when preparation meets hard work. Seneca. जब तैयारी और मेहनत मिलते हैं तब लक बनता है। आपने कितनी बार सुना होगा लोग दूसरों की सक्सेस को देखते हैं और कहते हैं कि यार वो तो कितना लकी है, और जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। दिस इज सो कॉमन। अक्सर लोग अपने फेलियर्स का कारण अपने बैड लक को मानते हैं कि किस्मत खराब थी, लक ने साथ नहीं दिया। अगर कोई इंसान 10 साल 20 साल 30 साल अपने सपनों के लिए मेहनत करे और करोड़ों की संपत्ति बना ले तो देखने वाले उसे लकी कहेंगे, पर किसी को भी उसकी मेहनत का अंदाजा नहीं होगा। किसी को ये एहसास नहीं होगा कि वो किन हालातों से किन परिस्थितियों से गुजरकर वहां तक पहुंचा है। जब भी आप किसी को लकी कहते हो तो आप उसे एज एन एक्सक्यूज यूज करते हो कि क्योंकि मैं अनलकी हूं इस वजह से मैं अनसक्सेसफुल हूं। बट सक्सेसफुल होना या ना होना तुम्हारी जिम्मेदारी है, भगवान या वक्त की नहीं। अगर तुमने अलार्म लगाया और तुम नहीं उठे तो वो तुम्हारी गलती है। अगर तुमने सुबह अपनी क्लास मिस की तो वो तुम्हारी गलती है। अगर तुमने एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की तो वो तुम्हारी गलती है। तुम कंफर्टेबल हुए, तुम्हें सक्सेस से ज्यादा कंफर्ट पसंद है। सो अल्टीमेटली तुम ही डिसाइड करते हो कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं। सो लक को एज एन एक्सक्यूज यूज करना बंद करो, बिकॉज लक जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक्शन और रिएक्शन की बात है। तुम मेहनत करोगे तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सक्सेस तुम्हारे एक्शंस का रिजल्ट है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस का नहीं। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, वो लकी नहीं है, उसने तुमसे ज्यादा मेहनत की है। वो कम सोया, कम खेला, कम डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए वो तुमसे आगे है। पूछो दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान से कि क्या वो अपनी अच्छी किस्मत के वजह से सक्सेसफुल है, तो वो आपको बताएंगे कि वो लक से नहीं, बिलीफ से वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि कुछ भी होने से पहले या कोई भी रिजल्ट मिलने से पहले उन्हें अपने आप पे भरोसा था, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। अगर तुम्हें लक पे भरोसा है, दैट मीन्स तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करते। इट मीन्स कि तुम्हारा अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है और अच्छे या बुरे सर्कमस्टांसेस तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लाइफ में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है, बट मैटर क्या करता है कि आप उन हालातों को कैसे हैंडल करते हो, आप कितने प्रिपेयर्ड हो उन हालातों का सामना करने के लिए। सो कुछ भी अनलकी या लकी नहीं है, दिस इज लाइफ एंड यू हैव टू डील विद इट। जो लोग प्रिपेयर्ड, पॉजिटिव एंड एम्बिशियस हैं वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। लक इज नॉट गिवन, लक इज नेवर गिवन, लक इज मेड एवरी सिंगल डे। सो कमेंट करके बताएं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, हार्डवर्क या लक।